हाय वेलकम फ्रेंड्स, बनाना रिपब्लिक से मैं अमरजीत और मेरे साथ नितेश जी। आज हम हमारे सेगमेंट मनी मेकर में शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। शेयर मार्केट में जो अभी एक दो तीन चार दिनों से जो उथल पुथल हो रही है, जिसके राजनीतिक और इकोनॉमिक कारण है, उनके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम व्यूवर्स के लिए कि शेयर मार्केट के ऊपर आगे बकायदा बेसिक से लेके पूरा हमारा वीडियोज आएंगे और उसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि शेयर जो फर्स्ट टाइम शेयर में डील करना चाहते हैं तो उनके लिए कैसे कर सकते हैं, क्या जानकारी हम लोग हमारी तरफ से हम शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की उथल पुथल राजनीतिक कारणों से और इकोनॉमिक कारणों से। नीतीश जी से जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कि वो क्या इसके बारे में हमें बता सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, पहले तो सर शेयर मार्केट शेयर हम बाय करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम एक कंपनी में चाहे छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल में कोई बल्क डील स्मॉल डील एक शेयर हम उसकी हिस्सेदार होंगे। अच्छा ठीक है ना। ओके तो दूसरी बात, हम आज मेन ये सेगमेंट कंटिन्यू रहेगा, इस पर हम डेली अपडेट्स देते रहेंगे, पर मेन आज बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उथल पुथल हो रही है। जो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सर, जिनकी हराइजन जो है वो 2 साल 6 महीने 5 साल 10 साल का है, डोंट पैनिक। ओके, और कंपनी के फंडामेंटल्स अगर गुड हैं तो कोई भी पैनिक लेने वाली बात नहीं है। फंडामेंटल्स गुड मतलब रिलायंस इंडस्ट्री हो, कोई ल्यूपिन हो, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये भाई नहीं करना है, डिस्क्रिप्शंस हैं अपनी अपनी, मेरी एडवाइस को सीधा ही नहीं मान लेना, चेक करना है। मैं ये नहीं कह रहा रिलायंस खरीदो, ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मीन्स की कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हैं, कंपनी के ओवरऑल बिजनेस जो अच्छा है, उस पर कोई ज्यादा डेट नहीं है, डेट मतलब उधार नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपने किसी चैनल पे सुना, कहीं कोई र्यूमर सुन लिए और आप उसको सेलिंग करने लगे। फंडामेंटल इज गुड, डोंट पैनिक, इवन एवरेज आउट भी कर सकते हैं, बाइंग करने की कोई अपॉर्चुनिटी आती है डिप में करो, कोई इश्यू नहीं है। मगर अगर फंडामेंटल रॉन्ग है, मैं किसी कंपनी के उदाहरण नहीं दूंगा, कोई फैमिली स्टॉक्स है रुपये दिल्ली वाले, उसमें डोंट प्ले स्पेकुलेशन। ये ट्रेडर करते हैं पर मेरे ख्याल में वो भी 99% लूज ही करते हैं, 1% लोग होते हैं हाउस ऑलवेज विंस, वो बड़ी गेम्स खेलते हैं उसमें जीतते हैं। तो ये जो चल रहा है सर, 3 इलेक्शन हो रहे हैं स्टेट्स के, 4 के, तो उसमें ये इलेक्शन सर, ये दीज आर ऑल माइक्रो इश्यूज। गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया आरबीआई ने, दैट इज ऑल माइक्रो इश्यूज। मैक्रो इंडिया का बहुत बढ़िया है, 130 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम कंज्यूमर सबसे बड़े हैं, चाइना तो कंज्यूमर भी मैं हूं, मैन्युफैक्चरर भी मैं हूं, किसी को एंटरटेन ही नहीं करता है, हम एंटरटेन करते हैं। ओके, जो ईयू कंपनीज हैं, यूरोपियन यूनियन की चाहे अमेरिका की, हम उनके लिए सबसे बड़ी मार्केट है। मैक्रोस कहीं से भी इंडिया के खराब नहीं है, माइक्रो में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस है, वो भी टाइम के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। जब हमारे हंग गवर्नमेंट थी, जब 2-3 हजार पे सेंसेक्स था 90s में, तब भी कोई इश्यू नहीं था, आज सेंसेक्स जो है वो 34-35 हजार पे है, तो भी कोई पैनिक लेने वाली बात नहीं है, छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। और ये जो मतलब दुकानें खुली हुई है ना, इनके र्यूमर में विश्वास नहीं करना। आपको एग्जाम्पल देता हूँ सर, 1-2 दिन पहले आया कि भाई कोटक में बर्कशायर जो ग्रुप है ना, वारन बफेट, ही इज अ प्रोमिनेंट इन्वेस्टर, वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं इसको, तो वो एक स्टेक ले रहे हैं। ओके, कोटक महिंद्रा में स्पाइक हो गया, कोटक स्पाइक हो गया, 7-8% का गेन हुआ, बिल्कुल कहीं से र्यूमर आया, शाम को बैंक ने अपना मतलब क्लियर कर दिया कि हम वी आर नॉट वी डोंट नो। हाँ बिल्कुल, हम इस स्टोरी के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ जी ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब मंडे को, ये लास्ट वीक का मंडे जब मार्केट ओपन हुई, तो कोटक का कोई आरबीआई के साथ कोई इश्यू, कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, वो सामने आ गया, 7-8% गेन था, वो 10-12% डाउन पे आ गया। और ये दोनों चीजें जो हैं, वो जो सोर्सेज, जिन सोर्सेज से हम लोग, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो सोर्सेज पे लोग रिलाय करते हैं, ये वही एक सोर्स है जो बता रहा है कि वारन बफेट स्टेक लेने जा रहे हैं, और वही सोर्स ये भी बता रहा है कि केस हो गया। तो कोटक एज ए ब्रांड कोई इशू नहीं है, जो उनका लिटिगेशन चल रहा है उसके बारे में भी, उससे भी उनके बैंक के फंडामेंटल्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं, साउंड बैंक, गुड बैंक, कोई इशू नहीं है। वारन बफेट जी लेंगे भी स्टेक, नहीं भी लेंगे, तब भी इस बैंक को एज ए फंडामेंटल इनको कोई फर्क नहीं है। तो मैं इसको एडवाइस नहीं कर रहा कि आप कोटक का शेयर बाय करो, एज ए कोटक का मैं अकाउंट होल्डर हूं। ओके, सेविंग अकाउंट है मेरा वहां पे, तो होपफुली करंट अकाउंट भी होगा,
तो मैं वैसे ही उसका राय दे रहा हूँ कि कभी भी र्यूमर्स में ना आओ, पैनिक में ना आओ। इलेक्शंस ये मेला है, कुंभ का मेला नहीं है भाई। कुंभ का मेला अर्ध कुंभ 6 साल बाद, कुंभ 12 साल बाद, पर ये इलेक्शन का मेला है इंडिया में। हर दूसरे महीने कभी पंचायती, कभी सरपंची, कभी ब्लॉक, कभी काउंसिलर, कभी MLA का, कभी MP का, ये चलता रहना है। माइक्रो मोदी साहब थे तो भी ओके, मोदी साहब नहीं होंगे आगे चल के, भगवान की सेहत को मतलब गलत नहीं लेना है कि उनकी सत्ता नहीं होगी तो कोई इशू नहीं है। मनमोहन सिंह का टाइम भी इंडिया फ्लोरिश किया, इंडिया एज ए होल मैक्रो मतलब इसकी स्टोरी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया जा रहे हैं। तो पैनिक भी नहीं लेना भाई, नेवर सेल इन द पैनिक कि सब बेड़े जो है वो बेचने के लिए चल पड़ी है तो आप भी चल पड़ो। किसी फलाना दुकान से एडवाइजरी आ गई बेच दो, आप बेचने के लिए निकल पड़े हो। तो मेरे लिए तो सर मैं यही कहूंगा कि नेवर फील पैनिक, फंडामेंटल गुड नहीं है सर, तो चाहे इलेक्शन आए चाहे कुछ आए, डूबेंगे पैसे, वॉल्यूम उसमें कम हो जाएगा। स्पेकुलेटर आपको बॉम्बे दिल्ली में बैठे उसमें खेल रहे हैं, आप उसमें फंस रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। फंडामेंटल गुड है, कोई इश्यू नहीं है बिल्कुल। और आपको कोई सवाल? हाँ नहीं नीति जी, बस आपने वो सब क्लियर कर दिया है। बेसिकली आज का विषय यही था कि जो शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में जो भी उथल पुथल हो रही है राजनीतिक और इकोनॉमिक कारणों से, जैसा RBI गवर्नर उर्जित पटेल का रेजिग्नेशन और जो भी अभी रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के, उनको गवर्नर साहब का रेजिग्नेशन सर बता दूं, मैं छोटी सी क्लियरेंस दे दूं। गवर्नर साहब का रेजिग्नेशन ये है कि ये टसल चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, ये टसल इतना है कि गवर्नमेंट RBI से लिक्विडिटी चाहती है, उर्जित पटेल जी लिक्विडिटी दे नहीं रहे थे, उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम थी, तो लिक्विडिटी किस लिए चाहती है? NBFC और जो बैंक्स हैं वो थोड़ा सा ठीक है, उनके NPS थे, पर अब बात यह है कि ये NPA आज के तो है नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें किसी पार्टी का भी नहीं कह सकते, कांग्रेस के टाइम भी थे, BJP के टाइम भी थे। तो बैंकिंग एज ए होल उसको हम बेल आउट करना पड़ता है ना, गिरा नहीं सकते हैं सर। बिल्कुल, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम गिरा नहीं सकते हैं। मैसे फॉरन इन्वेस्टर्स को गुड नहीं जाता है, ठीक है ना, वो पैनिक लेंगे, वो निकलेंगे। म्यूचुअल फंड कितनी बाइंग करेगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कितनी बाइंग करेंगे, कितनी सपोर्ट करेंगे? फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत जरूरी है इस कंट्री के लिए, ओके। तो नेवर सेल इन द पैनिक, इलेक्शन आएंगे इलेक्शन जाएंगे, मोदी साहब बहुत बढ़िया, आए उनकी गवर्नमेंट तब भी बढ़िया, नहीं भी आएगी कोई इशू नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर लॉर्ड होगा, इकोनॉमिक एडवाइजर है, ब्यूरोक्रेसी है इंडिया की जो इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को संभालती है। ये नेता अकेले इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इंडिया के नहीं संभालते हैं भाई मेरे, बिल्कुल ये अपने व्यूअर्स को क्लियर होना चाहिए। एक पूरा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक कोऑर्डिनेट होकर काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो पैनिक में कोई स्टॉक्स ना बेचिए, फंडामेंटल गुड्स हैं, ठीक है। बाकी आपने कोई प्रॉफिट बुक करना है कोई, तो प्रॉफिट बुक तो हमेशा करना चाहिए अमरजीत जी, प्रॉफिट बुक पे हम आगे चल के बनाएंगे प्रोग्राम। प्रॉफिट बुक करना है, रेगुलर करना है, फिर बाय करना है, कोई इश्यू नहीं है, पर डोंट सेल इन पैनिक। आज के लिए इतना ही है, रेगुलर अपडेट्स आएंगी, बढ़िया अपडेट्स आएंगी, डिस्क्रिप्शन आपकी, एडवाइस हमारी होगी। बेसिकली हमारे कहने नीति जी ने अभी आपको बताया कि आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। ये जो माइक्रो जो इफेक्ट डालते हैं शेयर मार्केट पे, शेयर मार्केट इनकी वजह से नहीं चल रहा है, इसके पीछे पूरा एक इंडिया का जो भी उन्होंने बताया कि 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, हम बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए। मींस छोटे छोटे, माइक्रो मींस बड़ा होराइजन, बड़ा व्यू, बड़ा व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है, बढ़िया पिक्सल है, इंडिया एज ए LED आप लेंगे सब कुछ ओके है, ब्राइटनेस भी बढ़िया है। छोटे छोटे माइक्रो इश्यूज आते रहते हैं, घर में आते हैं, देश में आते हैं, परिवार में आते हैं, सब जगह होते हैं। डोंट बी पैनिक, नेवर सेल इन द पैनिक, बिल्कुल। और इसी के साथ इजाजत लेते हैं आप, ये इसके आगे भी हम लोगों के बकायदा इसके ऊपर वीडियोस आते रहेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में, शेयर ट्रेडिंग के बारे में वो बात होती रहेगी, इकोनॉमिक को लेके बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। कृपया ये ध्यान रखें कि कोई भी एडवाइजरी जो बड़ा सोर्स एडवाइजरी आपको दे रहा है तो आंखें बंद करके उस पर विश्वास मत करें, फिल्टर करें, बहुत बढ़िया फिल्टर करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके शेयर्स आप ले रहे हैं, उसका फंडामेंटल चेक करें और फिर उसके अंदर आपको जो भी बाय करना है, सेल करना है, वो आपका है। इसी के साथ बाय द शेयर सेफ, सेल द शेयर सेफ, बढ़िया चूज करें, बढ़िया बेचें, थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो और बेल का आइकन दबाएं, लाइक करें, कुछ आपका सुझाव तो इनबॉक्स में हमें दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।